सुरक्षित कराना चाहते हैं, जहां सैनिक अपनी जान हथेली पर लेकर सरहद की रक्षा करता है और यहां का युवक तथा आम जनता अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों से देश की रक्षा तथा विकास में योगदान देता है। आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ श्वेता। लोगों, चैन से सो रहे हो तो जाग जाओ, क्योंकि एक ऐसी खबर हम आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओ। खबर ये है कि ISIS ने भारत पर हमले का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में एक आतंकवादी ने इंडियन न्यूज रिपोर्टर का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया है और साथ में ये भी कहा है कि वो जल्द ही भारत पर एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले। देखिए किस प्रकार आतंकवादी ने रिपोर्टर का कत्ल किया, देखिए। अरे सुनो सुनो। अरे मारिया, क्या हुआ? तुम लोगों ने देखा क्या, आज फिर से एक ISIS की नई धमकी आई है। अरे यार, वो तो रोज का ही है। काय बे भाईताड़ा नो काय पाउन राइले। अरे नहीं, ये तो बड़ा ही सीरियस मैटर है। देखा उस रिपोर्टर को कितनी बेरहमी से मारा है। अबे तमका तू जाऊन वाचवणारे का तेनले। ये क्या जाके बचाएगी? और ये मीडिया वाले तो कोई भी वीडियो उठा के दिखाते ही रहते अपनी TRP बढ़ाने के लिए। अना अबे अशे कितनी वीडियो आले न कितनी वीडियो गेले, कधी काय झाले का कोणाले? और अगर कुछ हुआ भी तो आर्मी और गवर्नमेंट है ना देखने के लिए, हमें क्या पड़ी है? बाहर सब लोग दही हंडी का मजा ले रहे हैं और हम क्या इधर टाइम पास कर रहे हैं। चलो दही हंडी देखने चलते हैं। हां चल चल चल। हर तरफ है ये शोर, हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। गो 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 गोविंदा। पटके मटके झटके मार रहे तू आज जोला तो हम भी बुआ रहे, माफी है तो जान बता रहे हम, मटके मटके झटके मार है तू आज जोला तो हम भी बुआ रहे, तू आसमां पे है तो जान बता रहे हम, जहां तुम निकले तुम ऐ कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, टाक 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 कर नीचे का चोर, चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, टाक 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 कर नीचे का चोर। समीर कहीं नजर नहीं आ रहा, समीर कहाँ है? अरे हाँ ना, समीर 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 समीर। डॉक्टर, समीर ठीक तो है ना?
वी आर वेरी सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए, आपने उसे लाने में देर कर दी। ये पनीर बटर मसाला दो लच्छा कड़ा चल चपाती ले रहे जल्दी, एक दाल राइस पार्सल लगा, दाल राइस पार्सल। अरे यार मेरा तो उस दिन से किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। हाँ ना यार, बार बार समीर का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। यार सौरभ ऐसा क्यों हुआ, वो बम डालने वाला मुझे मिल जाए मैं तो बस। बस बस सिर्फ समीर के बारे में ही मत सोचो, न जाने कितने मासूम इस आतंक की बलि चढ़ जाते हैं। अब जो हुआ सो हुआ, कुछ ऐसा सोचो जिससे कि इन मासूमों की जान बचाई जा सके। हम तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, हम थोड़ी ना बंदूक लेकर उनके साथ लड़ सकते हैं। अरे पर किसने कहा है लड़ाई सिर्फ बंदूकों से लड़ी जाती है, हम अपने ज्ञान का उपयोग करके भी उनसे लड़ सकते हैं। हाँ सोचो यारो, वो आतंकी संगठन सोशल मीडिया के जरिए हमारे देश के लोगों को धार्मिक आधार पर भड़का कर उनके साथ शामिल कर लेते और देश के प्रगति पथ में बाधाएं डालते हैं। पर यार हम हमारे लोगों को कैसे समझाए कि वे उनसे प्रभावित होकर उनके जैसा न बने। तो हम भी उनसे सोशल मीडिया के जरिए ही लड़ेंगे और हमारे देश की प्रगति में योगदान देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें अपने आप को सुधारना होगा, अपने चरित्र और बुरी आदतों को भी बदलना होगा। हाँ हाँ बदलना होगा। दोस्तों कितना अच्छा होता अगर हमारे देश का पढ़ा लिखा नौजवान अपने ही ज्ञान का उपयोग अपने देश में रहकर करता और देश को उन असामाजिक तत्वों से बचाता जो विज्ञान की उपलब्धियों का उपयोग आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि हमारे ही बीच का एक युवक किस तरह से इस परिस्थिति को सुधारता है। बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, आगे रहने की है टेंशन, मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है। ये ऑमलेट पर ही जीते हैं, ये टॉनिक सारे पीते हैं, वक्त पे सोते वक्त पे खाते, तान के सीना बढ़ते जाते हैं। दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा हजारे छोकरे भेजा ना ठोकरे, और लाए अपुन पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, फिस 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 फिस। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। समाज में व्याप्त भेदभाव की भावना आज एक नासूर की तरह फैलती जा रही है, इसका तो कहीं अंत ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज का युवक नियमों को तोड़ने में ही अपनी शान समझता है। उनका कहना है कि रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन, ये सभी नियम तो आम जनता के लिए ही बने हैं ना, जैसे नेता और अभिनेताओं के लिए बने ही नहीं। चलिए देखते हैं आज के इस युवक को। कौन है मर्दारी यहाँ, कौन जमुरा? सेवा का वादा करके वो तो मेवा खा गया, मेवा खा गया, वो तो मेवा खा गया, राजा वो खुद बना मुझे प्यादा बना गया।
से जो दे दिया तुर्रा तितंग 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 डब डब डुर्रा कौन है मदारी यहाँ कौन जमुरा गान चलाना अनिवार्य होगा, ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। फिल्म से पहले हॉल में राष्ट्रगान चलाया जाएगा जिसमें सभी को खड़े रहना अनिवार्य होगा। राष्ट्रगान के वक्त सभी अपनी सीट से खड़े हो जाएंगे और सभी फिल्मों के पहले क्या जमाना आ गया है, क्या एक भारतीय होने के नाते अपने राष्ट्रगान पर खड़े होना हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या इसके लिए भी नियम बनाने की आवश्यकता है? वाह रे मेरे भारत देश, वाह रे मेरे भारतवासियों। सभी प्रेक्षकों से निवेदन है कि वे राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। आज आप जिस स्वतंत्र देश में जी रहे हो, जिस स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हो, जिस स्वतंत्र वातावरण में खेल कूद रहे हो, क्या जानते हो इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितना खून बहाया है? वह भारत माता की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। क्या उनके बलिदानों का हम यही सिला देते हैं? हम उसी भारत माता की शान में गाए जाने वाले राष्ट्रगान के लिए कुछ समय स्थिर खड़े भी नहीं हो सकते? लानत है हमें अपने भारतीय कहलाने पर। बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है।
एक देश के नागरिक होने का क्या अर्थ है? क्या केवल अधिकारों का उपभोग करना ही अपनी नागरिकता सिद्ध करना है? नहीं, एक आदर्श नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों के प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थी, गृहस्थी, सरकारी कर्मचारी, व्यावसायिक आदि किसी भी स्थिति में रहते हुए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमने तो केवल कुछ ही उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, परंतु दिन प्रतिदिन ऐसे कई मौके हमारे सामने आते रहते हैं जहां हम अपने आदर्श नागरिक होने का प्रमाण दे सकते हैं, और ऐसा करने पर ही हमारे देश को एक प्रगतिशील देश की बजाय एक प्रगत देश बनाने का हमारा सपना पूरा होगा। हमें उन सैनिकों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए जो हर समय सीमाओं पर तैनात रहकर हमारी रक्षा करते हैं। आज हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें मात्र युद्ध के समय या खतरे के समय ही नहीं, अपितु शांति के समय पर भी याद करें। सेना पर आतंकवादियों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना की 12वीं यूनिट के बेस पर हुए आत्मघाती हमले में सेना के 17 जवान शहीद हो गए। जन्मभूमि पे जा लुटाते हैं, सरहदों पे जो हंस के जाते हैं, कितनी पावन ये देशभक्ति है, इनका साहस ही अपनी शक्ति है। प्रभु जी Thank you.
गई घड़ी है देखो सबसे बड़ी, हम उसे बस दो कदम पे देखो जीत घड़ी, हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं, हाँ मैं हूँ उस देश का, बैठ के ले नजारा इस ट्रेबल और बेस का, सीधा चलू या चलू ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का, मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा, जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं जम के पकड़ झाड़ दूंगा, हिचको मैं उखाड़ दूंगा, जहाँ से तू आया है ना वही तुझे गाड़ दूंगा, तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा, हाड़ दूंगा, सोच में जाना होगा, स्वतंत्रता वीरों को, शहीदों को हमारी याद में आना होगा, हमारी यादों में उनको जिंदा रखना होगा, आज के हालातों को युवा पीढ़ी को ये बताना होगा, अगर न बन पाए हम जवान सिपाही, अगर न बन पाए हम जवान सिपाही, तब भी देश को हमें ऊंचा और कामयाब बनाना होगा, देशभक्ति के गीत हम गाएंगे, देशभक्ति के गीत हम गाएंगे, सुर में सुर मिलाएंगे, अपनी रोज की दुनियादारी में भी ना कुछ गलत करेंगे और ना किसी को करने देंगे, सिर्फ बाहर का ही नहीं बल्कि देश के अंदर का बुरी सोच वाले शत्रु का हमें सफाया करना होगा, जवान सिपाही ना हम बन पाए, जवान सिपाही ना हम बन पाए तो भी उनका आदर और प्रेम का एहसास सबके मन में जगाना होगा, हम सबको मिलकर इस देश को प्रगत बनाना होगा।